ओम शांति। आज 14 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में प्यार के सागर बाबा अपने बच्चों को भी अपने समान बनाने के लिए आए हैं। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चों को श्री लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी बनना है, और ऐसा बनने के लिए क्योंकि आपका एम ऑब्जेक्ट है, आपको बहुत अटेंशन देना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे श्रृंगार बिगड़ जाए। कई बच्चे एक दूसरे को वाहियात बातें सुनाते हैं जिससे उनका अपना भी श्रृंगार खराब होता है, दूसरों का भी होता है। कई बच्चे एक दूसरे को ज्ञान की बात सुनाते हैं तो उनका अपना भी श्रृंगार अच्छा हो जाता है, दूसरे की भी मदद करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए आया हूँ। तो फालतू बातें करके, परचिंतन करके अपना श्रृंगार खराब मत करो। बाबा ने तुम्हें मन मनाभव की चाबी दी है। इस एक चाबी को यूज़ करने से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो, आप बाबा से भी बड़े जादूगर हो। यहाँ बैठे मानव से देव बनने का पुरुषार्थ करते हो, साफ स्वच्छ शोभनीक बन जाते हो। चेक करो, आज मैंने वाहियात बातें करके अपने श्रृंगार को बिगाड़ा तो नहीं, मेरा दैवी स्वभाव है या नहीं। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी जो मायाएं बहुत तंग करती है, आप हमें इससे मुक्त करो। बाबा कहते, बच्चे मैं तो तुम्हें इनसे छुड़ाने के लिए आया हूँ, फिर मेरी माया कहाँ से आई? आपको अपनी याद की यात्रा बढ़ाते रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं। कोई कोई कहते हम 24 घंटा याद करते हैं। बाबा ने कहा, 2-2.5 घंटा याद करते हुए तो मान सकते हैं, पर 24 घंटा तो कोई भी बाबा को याद नहीं करते हैं। याद में निरंतर रहने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बहुत सारी धारणा की बातों पर ध्यान खिंचवाया। हम अपने आप को भी देखेंगे और बाबा से वायदा करेंगे कि हम अपने श्रृंगार को पर चिंतन में पढ़कर खराब नहीं करेंगे। हम राजयोगी हैं, सन्यासी भी हैं। बाबा ने कहा, आपका खान पान, रहन सहन सब मध्यम होना चाहिए। ऐसी कोई आदतें नहीं डालनी जिससे ये पता चले कि आप पक्के राजयोगी नहीं हैं। जैसे कईयों का जो खाने पीने की, रहने की जो भी चीज़ें हैं, तो उससे लगता है कि ये पुरानी दुनिया में आसक्त हैं। बाबा ने कहा, आपका रहने का लिविंग स्टैंडर्ड ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का होना चाहिए। ऐसे बाबा ने आज बहुत सारे धारणा बिंदु बताए, एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा के श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। बाबा के श्रीमत पे चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। पर चिंतन से श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बाबा से तीखे जादूगर हो, कैसे? बाबा से तीखे जादूगर कैसे? यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, ये भी जादूगरी है। सिर्फ अल्लभ को याद करने से तुम्हारा ये श्रृंगार हो जाता है, अल्लभ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं, सिर्फ विचार करने की बात है। योग से तुम साफ स्वच्छ शोभनीक बन जाते हो। योग से साफ स्वच्छ शोभनीक बन जाते हो, तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है, ये भी कमाल है। अटेंशन से सुनेंगे, यहाँ बैठे तुम इन जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, ये भी जादूगरी है। सिर्फ अल्लभ को याद करने से
तुम्हारा श्रृंगार हो जाता। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ, शोभनिक बन जाते हो। आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है, ये भी कमाल है। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ, रूहानी बच्चों को जो बाबा से भी तीखे जादूगर हैं उनको समझाते हैं, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं, बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो, क्या कोई समझेगा? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाबा कहते ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्ग में जा रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाबा ने एक मन मनाभव की चाबी दी है। बस एक बाप के सिवाय और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। यहाँ पर अपने ही श्रृंगार में लगे रहो, दूसरा करता है या नहीं इसमें तुम्हारा क्या जाता? तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं, कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ते रहते हैं, पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, तुम सिर्फ अपने को देखो, हम क्या कर रहे हैं। 5 सेकंड के लिए अपने आप से बात करेंगे, मैं बाबा का बना हूँ, मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ। अटेंशन देंगे, यहाँ पर बाबा का भाव ये है कि कई बच्चे बाबा का बन के भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो मैं बाबा का बनकर क्या कर रहा हूँ ये अपने आप से पूछना है। वो छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मन मनाभव। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, यहाँ बैठे बैठे कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव चलाने की बात ही नहीं, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंच से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंचा है, इस योग से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम साफ बनते बनते कितने शोभनीक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है, शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई। तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी, ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा सभी को एक ही रास्ता बताते, अल्लफ और बे, सिर्फ अल्लफ की बात है। बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाबा से भी बड़े जादूगर हो, तुमको युक्ति बताते, ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श्रृंगार बिगाड़कर क्या बन गए। अब एक ही अक्षर से बाबा को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ा ही होगा। यहाँ बैठे बुद्धि कहीं बाहर भटक रही है तो बाबा कहते श्रृंगार थोड़ा ही होगा। तुम श्रृंगारे हो तो औरों को भी रास्ता बताना है। बाबा आते हैं ऐसा श्रृंगार करने। कमाल है श्री बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमें अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते, कोई अपना भी श्रृंगार नहीं करते, दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं, फालतू बातें सुना के उनकी अवस्था को नीचे गिराते हैं। कैसे श्रृंगार खराब करते हैं? इधर उधर के व्यर्थ के समाचार सुनाकर, व्यर्थ की बातों की लेन देन करके
दूसरों का श्रृंगार बिगाड़ते हैं, खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं, दूसरों को भी रहा देते। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियाँ नहीं आती, शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। तुमको कहते तुम क्यों शास्त्र को नहीं मानते हो, बोलो हम तो सब मानते हैं। आधा कल्प भक्ति की शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे, रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह बेहद का दिन और रात। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत थोड़ा है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़े सुन रहे हो, कोई कथा है क्या? बाबा ने कहा तुम बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो, मुफ्त में इतना थोड़े सुन रहे हो, कोई कथा है क्या? बाप अक्सर ही एक सुनाते, बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए, बाबा तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। यह ऊंच श्रृंगार वाले तभी उनके चित्र हैं जिन्हें बहुत पूजते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे, बाबा का तो अनुभव है, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था श्री लक्ष्मी नारायण के लिए। ज्ञान से पहले ब्रह्मा बाबा ने जब वो जोहरी थे तो स्वयं इनके लिए हीरे का हार बनाया था। वास्तव में उन जैसी भी यहाँ पैरवाइस कोई बना ना सके, अब तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा समझाते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ना ही औरों का करो। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते, मुझे याद करो तो पाप मिट जाए। याद बिगर इतना श्रृंगार नहीं हो सकता, तुम ये बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता, एक सेकंड की बात है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ देते हो। बाबा तो कहते चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया कम नहीं। कोई कोई लिखते बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। बाबा को कहते बाबा आपकी माया बड़ा तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ, ये तो खेल है ना, मैं तुम्हें माया से छुड़ाने आया हूँ, मेरी माया फिर काहे की, इस समय पूरा ही इसका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, ये फिर है बेहद की रात और दिन, इसमें एक सेकंड का फर्क नहीं हो सकता। अब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार श्रृंगार कर रहे हो। बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, बुद्धि में चक्र घूमता रहे, भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है, आत्मा में मन बुद्धि है। यहाँ तुम्हें बाहर का गोरख धंधा कुछ नहीं, यहाँ आते ही हो अपना श्रृंगार करने, रिफ्रेश होने। बाबा पढ़ाते सबको एक जैसा है, यहाँ बाबा पास आते हैं, नई नई पॉइंट सुनकर सम्मुख सुनते हैं, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना बाहर निकल जाता। यहाँ सम्मुख सुनते हैं, घर जाते हैं सुना हुआ बाहर निकल जाता, यहाँ से बाहर निकलने से झोली छांट लेते हैं, मतलब जैसे कि झाड़ लेते हैं, तो सुना जो सुना उस पर विचार सागर मंथन नहीं करते, मनन चिंतन नहीं करते। जैसे कहीं उठेंगे तो अपना पल्ला यहीं झाड़ लेते हैं। बाबा ने कहा ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे उठे और झोली को छांट दिया, सुना उस समय जो सुना उसका मनन चिंतन किया ही नहीं। तुम्हारे लिए यहाँ एकांत की जगह बहुत है, यहाँ मधुबन में आते हो बहुत अच्छा एकांत है, बाहर में खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीते रहते हैं। हम समझ जाएं अब ये खटमल कौन है, जो परचिंतन प्रदर्शन करते हैं, दूसरों की अवस्थाएं खराब करते हैं, ऐसे खटमल बहुत हैं। बाबा बच्चों को समझाते ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसे वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली हैं, मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें विश्व की बादशाही देने, अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो, कामकाज करते बाबा को याद करो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परम पिता परमात्मा माशुक की,
वह सब जिस्मानी कथाएं आदि बहुत सुनते। अब बाबा कहते सब भूल जाओ, जो भी कथाएं आदि पहले सुनी सब भूल जाओ। भक्ति में तुमने मुझे याद किया, वायदा किया हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशिकों का ये माशुक है, भक्ति में कहते ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब है फालतू की बातें, एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाबा कहते एक अल्लभ को याद करो तो तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। अब तुम ये बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने श्रृंगार किया, कल्प कल्प बाबा आप आएंगे हम आपसे सुनेंगे। कितनी गुह्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई, वारी जाऊं ऐसे बाप पर आशिक माशुक भी सब एक जैसे नहीं होते। ये तो सब आत्माओं का एक ही माशुक है, जिस्मानी कोई बात नहीं। परंतु तुम्हें संगम युग पर बाबा ने युक्ति बताई, तुम जाओ खाओ पियो घूमो फिरो नौकरी करो, बस अपना श्रृंगार करो। जो भी कार्य करते हो करो, बस अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं अब एक माशुक की आशिक हैं, बस उनको याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हम तो 24 घंटा याद करते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकता, बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक। जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता ही नहीं, दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझें कि तुम याद करते हो। जब दूसरों को आप याद नहीं दिलाते तो कैसे समझें कि तुम याद करते हो। क्या कोई डिफिकल्ट बात है, कोई इसमें खर्चा है, कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करते रहो। पाप कट जाएंगे, दैवी गुण आते जाएंगे। पतित कोई शांतिधाम सुखधाम में जा ना सके, बाबा बच्चों को कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अब पूरा होता, ये पुराना चोला छोड़ना है। ड्रामा देखो कैसे बना हुआ है, तुम जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में कोई कुछ भी नहीं समझते, हर एक पूछे अपने आप से हम बाबा की मत पे चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार अच्छा होगा, श्री मत पे चलेंगे तो श्रृंगार अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार बिगाड़ देते हैं, तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ देते। बच्चों को इसी धुन में रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी तो जो कुछ है वो ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता, भले तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, ना बहुत ऊंचा ना ही बहुत नीचा। खाओ भले परंतु ज़्यादा हिर ना जाओ, ज़्यादा आदतें ना पड़ जाएं। खाओ पियो घूमो फिरो बाबा की मना नहीं, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है बाबा ने कहा वो बीच का होना चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा आदत ना पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है, इस कमाई में अपार सुख मिलना है। सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब बाबा आते हैं श्रृंगार करने, तो अपना अच्छी रीति से ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से क्या बन जाते, पढ़ाई में मेहनत करने से मनुष्य क्या से क्या बन जाते। बाबा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाबा कहते मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुक वंशावली प्रजा कैसे होगी। बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलना है, बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको मात पिता कहा जाता, ये तुम जानते हो। बाबा का आना बहुत एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आते, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अब बाबा तुम बच्चों को कितनी अकल देते, बाबा की मत पे चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो बुद्धि में चलना है। तुम ये संस्कार ले जाते हो, जैसे बाबा में संस्कार ऐसे तुम्हारी आत्मा में संस्कार भरते। फिर जब यह आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया अपने को श्रृंगारने का।
टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं करते। अपने आप से पूछो, कितना पुरुषार्थ किया अपने को श्रृंगारने का, टाइम वेस्ट तो नहीं करते। बाबा सावधान करते, वाहियात बातों में कहीं भी टाइम नहीं गवाना। बाबा की श्रीमत याद करो, मनुष्य मत पे ना चलो। तुम्हें पता थोड़ा ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाबा ने बताया, तुम क्या थे इस पुरानी दुनिया में, कितने अपार दुख हैं। ये भी ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है, ड्रामा अनुसार अनेकानेक विघ्न पड़ते हैं। बाबा समझाते, बच्चे ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट अविनाशी भरा हुआ है जो बचाती रहती है। छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर लेती है, पार्ट बचाती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल अदे बच्चों प्रति मात पिता बाप तक का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, दूसरी सब बातों को छोड़ इस धुन में रहना है कि हम श्री लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी बने। इस धुन में रहना है, हम इन जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। अपने से पूछना है, हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, उल्टी सुलटी बातें सुनकर सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं। आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं करते। दैवी स्वभाव धारण किया है, दूसरी सब बातों को छोड़ इस धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। अपने से पूछना है, श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, उल्टी सुलटी बातें सुनकर सुनाकर अपना श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं। आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पे वेस्ट तो नहीं करते। दैवी स्वभाव धारण किया है, वरदान व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम मान शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, ये व्यर्थ संकल्पों का कारण होता है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के दो कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो उसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, ये व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। आज हम सब अपने मन में ये बात याद रखेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बुद्धि में रखते हुए, कि मुझे इन जैसा दिव्य गुणधारी बनना है। पर चिंतन करके अपने श्रृंगार को खराब नहीं करना। नो टाइम वेस्ट। दिव्य नेत्र से श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने लाएं। भगवान उवाच, जब कोई चित्र देखते हो तो चरित्र की बात भी जरूर सोचें। मुझे भी इन जैसा दैवी गुण संपन्न चरित्रवान बनना है।
दिव्य गुण धारण करने हैं। कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी, ना ही टाइम वेस्ट करना है। मन मनाभव की चाबी से, योग बल से अपना श्रृंगार करना है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। समय बहुत नज़दीक है, तो इस वर्तमान समय में बाप दादा बच्चों से कौन सी विशेष सेवा करवाना चाहते हैं, ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।